Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today this is video lecture 3 of God Sees the Truth But Waits. Title आपको पता ही है, God Sees the Truth But Waits. और ये आप जानते हैं कि BA Part 1 Semester 1 New Education Policy के अनुसार जो syllabus आया है Graduation Semester 1 का, तो उसका ये lesson है और वीडियो लेक्चर 3. और अब तक आपने ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से वो पोर्च में बैठा हुआ था जब पुलिस वाले उसको इंटरोगेशन करने आए थे और पूछने आए थे क्यों वह सुबह सवेरे अपना रूम छोड़ के इतनी जल्दी कैसे निकल पड़ा सराय से वो, और जिस व्यक्ति के साथ वो ठहरा हुआ था व्यापारी के साथ उसका कत्ल हो चुका था, तो क्या आप उसे मिले थे सुबह? तो सबके बेस पे उसे अरेस्ट कर लिया गया, चाकू भी उसी के बैग में से मिला था. हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि किस तरह से उसको अरेस्ट किया गया था जब वो सराय की पोर्च में बैठ के अपना गिटार बजा रहा था, और किस तरह से अपने नौजवानी में वो केयर फ्री टाइप का व्यक्ति होता था. और उसे ये भी याद आया जिस जगह पे उसे कोड़े लगाए गए थे, फ्लॉक किया गया था एग्जीक्यूशनर के द्वारा, और लोग उसके चारों तरफ खड़े थे और वो चेन्स में था, और पूरे 26 साल किस तरह से उसने कॉन्विक्ट्स के साथ बिताए, प्रिजन लाइफ के बारे में, और वक्त से पहले वो बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफ़ेद हो गए, ये सारी घटनाएं वो याद कर रहा है आज. एंड हिज प्री मैच्योर ओल्ड एज ही थॉट ऑफ इट्स ऑल मेड हिम सो रेचिड दैट ही वॉज रेडी टू किल हिमसेल्फ. और ये विचार उसको इतना बुरा बना रहे थे, उसकी दशा इतनी ख़राब हो गई थी, वो अपने आप को मारने को तैयार हो गया था. क्योंकि अब साइबेरिया जेल में जब वो शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ 26 साल बाद वही व्यक्ति उसके सामने आ जाता है जिसने कत्ल किया था और जिसकी वजह से वो जेल में सड़ रहा था. एंड इट्स ऑल दैट विलेंस डूइंग. और वो सोचने लगा कि इस विलेन की वजह से मुझे ये दिन देखने पड़े हैं, इतने दुख उठाने पड़े, जेल में रहना पड़ा है. Thought Axno, and his anger was so great against Makar Semyonich. उसका गुस्सा मकर सेम्यूनिच के खिलाफ इतना हो गया था that he longed for vengeance. Vengeance means revenge, बदला, कि उसके अंदर बदले की भावना जाग गई कि इसको मार दूं या मर जाऊं. Even if he himself should perish for it, भले ही वो उसके लिए खुद को भी मरना पड़े, पेरिश होना पड़े, बर्बाद होना पड़े. He kept repeating prayers all night, परंतु ये जो बदले की भावना थी इसको ख़त्म करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा सारी रात, ईश्वर का नाम लेता रहा ताकि ऐसे बुरे विचार उसके दिमाग में ना आए. ड्यूरिंग द डे ही डिडंट गो नियर मकर सेम्यूनिच. दिन के वक्त वो मकर सेम्यूनिच के पास नहीं गया. नॉर इवन लुक एट हिम, ना उसने उसकी तरफ देखा. अ फोर्टनाइट पास्ट इन दिस वे, इस तरीके से फोर्टनाइट होती है, 15 दिन गुजर गए. एक्सनो कुड नॉट स्लीप एट नाइट, रात को वो सो नहीं सकता था. एंड वाज सो मिजरेबल दैट ही डिडंट नो व्हाट टू डू, और उसकी दशा इतनी खराब होगी, इतनी दयनीय दशा होगी, मिजरेबल होगी, कि वो सोच में रहता कि करूँ तो क्या करूँ. वन नाइट एज ही वॉज वॉकिंग अबाउट द प्रिजन, एक रात की बात है जब वो जेल में घूम रहा था रात के वक्त, ही नोटिस सम अर्थ दैट केम रोलिंग आउट फ्रॉम अंडर वन ऑफ द सेल्स ऑन विच द प्रिजनर स्लेप्ट. वन नाइट एज ही वॉज वॉकिंग अबाउट द प्रिजन, जेल में घूम रहा था तो उसने देखा कि कुछ मिट्टी सेल्स के नीचे से बाहर आ रही है, रोलिंग फ्रॉम अंडर वन ऑफ द सेल्स ऑन विच प्रिजनर स्लेप्ट. जो रूम होता है उसमें कुछ इस तरह से बेंचेस टाइप बने होते हैं, स्लैब होती है वो पत्थर की बनी हुई इस तरह से, तो इनके नीचे से उसने सुरंग बना ली गई और मिट्टी बाहर निकल रही थी. सडनली अचानक क्या होता है, मकर सेम्यूनिच क्रैप्ट आउट फ्रॉम अंडर द सेल, नीचे से मकर बाहर निकला. एंड लुक्ड अप एट एक्सनो विद फ्राइटेंड फेस, एक्सनो की तरफ देखने लगा और उसका चेहरा पूरा डरा हुआ था. एक्सनो ट्राई टू पास विदाउट लुकिंग एट हिम, एक्सनो ने बगैर उसे देखे जानबूझ के इग्नोर करते हुए गुजरने का प्रयत्न किया. बट मकर सीज्ड हिज हैंड, परंतु मकर ने उसके बाजू को सीज कर लिया, सीज होता है जबरदस्ती उसकी बाजू को पकड़ लिया, और कहा उसे दैट ही हैड डग ए होल अंडर द वॉल, कि उसने दीवार के
नीचे एक सुरंग बना ली है, गेटिंग रीड ऑफ द अर्थ बाई पुटिंग इच इन टू हिज हाई बूट्स। हर रोज वो ऐसा करता है, जब बाहर जाते हैं काम पे, बाहर ले जाया जाता है कैदियों को, तो बड़े बड़े बूट्स हैं उसमें मिट्टी वो डाल के ले जाता है, एंड एम्प्टिंग इट आउट एवरी डे ऑन द रोड, और सड़क पे जाके उन शूज को वो खाली कर देता है, मिट्टी को वहां गिरा देता है। व्हेन द प्रिजनर्स वर ड्रिवन टू देयर वर्क, जब प्रिजनर्स को काम पे ले जाया जाता है। जस्ट यू कीप क्वाइट ओल्ड मैन एंड यू शैल गेट आउट टू, और उसे धमकाया उसने मकर सेमुनीच ने और कहा कि बूढ़े चुप रहना और तुम भी इसका फायदा उठा सकते हो, तुम भी बाहर निकल सकते हो। इफ यू ब्लैब, अगर तुम कुछ बके, दे विल फ्लॉग द लाइफ आउट ऑफ मी, वो मेरी जान निकाल देंगे, बट आई किल यू पास, इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक्सन ट्रेम्बल्ड विद एंगर एज ही लुक्ड एट हिज एनिमी, जैसे ही उसने अपने दुश्मन को देखा तो गुस्से में उबल पड़ा। ही ड्रू हिज हैंड अवे, अपना हाथ एक तरफ खींचते हुए कहा उसने, I have no wish to escape, मेरी इच्छा नहीं है भागने की, and you have no need to kill me, और तुम्हें मुझे मारने की भी आवश्यकता नहीं है। You killed me long ago, तुमने तो मुझे बरसों पहले मार दिया था। As to telling of you, जहां तक तुम्हारे नाम को बताने की आवश्यकता है, I may do so or not, मैं ऐसा करूं या ना करूं मुझे नहीं पता। As God shall direct, जैसे भगवान कहेगा वैसा ही करूंगा। Next day when the convicts were led out टू वर्क, जब कन्विक्स को काम पे ले जाया जा रहा था, द कन्वॉय सोल्जर, जो सोल्जर आगे आगे चलते हैं या पीछे चलते हैं लेके उन्हें, वन और द अदर ऑफ द प्रिजनर्स एम्प्टीड सम अर्थ आउट ऑफ हिज बूट्स, उन्होंने देख लिया कि एक कैदी ने अपने बूट्स में से कुछ मिट्टी बाहर फेंकी। द गवर्नर केम एंड क्वेश्चन्ड ऑल द प्रिजनर्स, गवर्नर आ गया, बात फैल गई, और वर्नर ने क्वेश्चन किए, द प्रिजन वाज सर्च्ड एंड द टनल वाज फाउंड, और जेल में तलाशी ली गई तो टनल मिली। तब गवर्नर पूछताछ के लिए आ गया, प्रत्येक प्रिजनर से पूछा गया कि हु हैड डग द होल, कि किसने ये सुराख खोदा है। दे ऑल मकर सेमुनीच स्टूड एज इफ ही वर क्वाइट अनकंसर्न, मकर ऐसे खड़ा रहा जैसे उसे कोई लगाव नहीं था, कुछ भी लेना देना नहीं था। लुकिंग एट द गवर्नर, गवर्नर की तरफ देखे जा रहा था, नॉट सो मच एज ग्लांसिंग एट एक्सनो, एक्सनो की तरफ इतना नहीं देख रहा था। एक्सनोज लिप्स एंड हैंड्स ट्रम्बल्ड, एक्सनो के होंठ उसके हाथ कांप रहे थे, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट अटर ए वर्ड, काफी देर तक वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया। He thought, सोचा उसने, why should screen him who ruined my life? बदले की भावना आई कि इस व्यक्ति को क्यों बचाऊं जिसने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, इस व्यक्ति को मैं क्यों सेव करूं? Let him pay for what I have suffered, इसको भी कुछ कीमत चुकाने दो जिसके कारण मुझे जेल में रहना पड़ा, इसको भी कुछ होने दो। सोचने लगा, यदि मैं बताता हूं, they will probably flog the life of him, ये उसे कोड़े मार मार के जान से मार देंगे, एंड हो सकता है मे बी आई सस्पेक्ट हिम रॉन्गली, मैं इस पे गलत शक कर रहा हूँ, और आखिरकार वट गुड वुड इट बी टू मी, अब मुझे क्या मिलेगा, जो मुझे दुख उठाने थे उठा लिए। गवर्नर ने फिर पूछा उसे, हाँ बताइए, टेल मी द ट्रूथ, हु हैज बीन डिगिंग अंडर द वॉल, दीवार के नीचे ये कौन खुदाई कर रहा था? एक्सनो ग्लांस्ड एट मकर सेमुनीच, और एक्सनो ने मकर सेमुनीच की तरफ देखा, ग्लांस करना देखना होता है, एंड सेड, और कहा, आई कांट से योर ऑनर, मैं नहीं बता सकता गवर्नर साहब, मैं नहीं बता सकता, इट्स नॉट गॉड्स विल दैट आई शुड टेल, और ये ईश्वर की मर्जी है कि मैं नहीं बता सकता। डू व्हाट यू लाइक विद मी, मेरे साथ जो करना है करिए, आई एम इन योर हैंड्स, मैं आपके हाथों में हूँ। However much the governor tried, जितनी गवर्नर ने उसे पूछने की ट्राई की, एक्सनो वुड से नो मोर, एक्सनो ने एक भी शब्द नहीं बोला, एंड सो द मैटर हैड टू बी लेफ्ट, इस तरह से मामला छोड़ देना। दैट नाइट व्हेन एक्सनो वाज लाइंग ऑन हिज बेड, उस रात जब एक्सनो बेड पे लेटा हुआ था, एंड जस्ट बिगिनिंग टू डोज, उसे नींद आने वाली ही थी, समवन केम क्वाइटली एंड सैट डाउन ऑन हिज बेड, कोई चुपचाप उसके बेड पे आके बैठ गया। ही पीयर्ड थ्रू द डार्कनेस, पीयर होता है झांक झांक के देखना, अंधेरे में उसने झांक झांक के देखा, पहचानने की कोशिश करी कि कौन है, और पहचान गया कि मकर है। व्हाट मोर डू यू वांट ऑफ मी, आस्क एक्सनो, व्हाई हैव यू कम हियर, पूछा कि अब और क्या चाहते हो मुझसे, तुम क्यों आए हो, व्हाई हैव यू कम हियर, मेरे रूम में क्यों आए हो।
मकर सेमिनिच वाज साइलेंट, मकर चुप था। सो एक्सनो सेट अप एंड सेट, एक्सनो अपने बेड पे बैठ गया और कहा, व्हाट डू यू वांट, गो अवे और आई विल कॉल द गार्ड। क्या चाहते हो, चल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं गार्ड को बुला लूंगा। मकर सेमिनिच बेंट क्लोज ओवर एक्सनो। मकर सेमिनिच अब एक्सनो की तरफ झुका और उसके कान में कहा, इवान डिमिट्रिच फॉरगिव मी, कि हे इवान डिमिट्रिच, उसका नाम लेके पुकारा उसने पहली बार कि मुझे माफ कर दे। व्हाट फॉर, एक्सनो ने कहा, किस लिए माफ कर दूं। इट वाज आई हु किल्ड द मर्चेंट, ये मैं ही था जिसने उस व्यापारी को मारा था। एंड हिड द नाइफ अमंग योर थिंग्स, और तुम्हारे बैग में अपना वो चाकू छुपा दिया था। आई मैन टू किल यू, मैं तुम्हें भी मारना चाहता था। बट आई हर्ड अ नॉइस आउटसाइड, मुझे कुछ बाहर शोर सुनाई दिया। सो आई हिड द नाइफ इन योर बैग एंड एस्केप्ड आउट ऑफ द विंडो, और तुम्हारे उस बैग में चाकू छुपा के मैं खिड़की में से छलांग मार के बाहर भाग गया था। एक्सनो वॉज साइलेंट, एक्सनो चुप था। एंड डिडंट नो वट टू से, और नहीं जानता था कि क्या कहे। मकर सेमिनिच स्लिड ऑफ द बेड सेल्फ एंड नेल्ट अपॉन द ग्राउंड। मकर सेमिनिच अब बेड सेल्फ से नीचे उतरा और उसके पैरों में झुक गया। कहने लगा, इवान डिमिट्रिच सेड ही, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। फॉर द लव ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पे मुझे माफ कर दो। आई विल कन्फेस दैट इट वॉज आई हु किल्ड द मर्चेंट, कल को मैं कन्फेस कर लूंगा, मान लूंगा, कबूल कर लूंगा कि मैंने ही कत्ल किया था, इवान ने कुछ नहीं किया था। एंड यू विल बी रिलीज्ड एंड कैन गो टू योर होम, और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम अपने घर जा सकोगे। एक्सनो कहने लगा उसे, इट्स इजी फॉर यू टू टॉक, बहुत आसान है तुम्हारे लिए ऐसी बातें करना। बट आई हैव सफर्ड फॉर यू दीज 26 ईयर, मैं तुम्हारी वजह से इन 26 सालों में तड़पा हूँ, दुख उठाए हैं, बहुत यातनाएं झेली हैं। वेयर कुड आई गो नाउ, अब कहाँ जाऊँ। माई वाइफ इज डेड, मेरी पत्नी मर चुकी है। एंड माई चिल्ड्रन हैव फॉरगॉटन मी, मेरे बच्चे मुझे भूल चुके हैं। आई हैव नो वेयर टू गो, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। मकर सेमिनिच डिडंट राइज, मकर सेमिनिच उसके पैरों में पड़ा रहा। एंड पेट हिज हैड ऑन द फ्लोर, और फर्श पे अपना सिर दे दे के मारता रहा। इवान डिमिट्रिच फॉरगिव मी, इवान मुझे माफ कर दो, ही क्राइड। When they flogged me with the knot, it was not so hard to bear as it is to see you now. जब वो मुझे फ्लॉग करेंगे, मुझे कोरडे मारेंगे, तो वो इतने दुख पैदा नहीं करेंगे, वो इतनी पीड़ा पैदा नहीं करेंगे जितनी कि तुम्हें देख के मुझे पीड़ा हो रही है, तुम्हारे शब्द मुझे पीड़ा दे रहे हैं। Yet you had pity on me, फिर भी तुमने मुझ पर दया की। And did not tell, और मेरा नाम तुमने गवर्नर के सामने नहीं लिया। For Christ's sake, forgive me, ईश्वर के लिए मुझे माफ़ कर दो। Wretch that I am, मैं तो पापी हूँ। And he began to sob, sob करना होता है, सुबह सुबह के रोने लगा। When Exono heard him sobbing, जब Exono ने उसे सुबह सुबह करते हुए देखा, रोते हुए देखा, he also began to weep, तो Exono भी रोने लगा। God will forgive you, मकर सेमिनिच, तुम्हें भगवान माफ़ करेगा। मे बी आई एम 100 times वर्स देन यू, हो सकता है मैं तुमसे भी 100 गुना बुरा आदमी हूँ। एंड एट दिस वर्ड्स हिज हार्ट ग्रू लाइट, ये कह के एक्सनो का दिल हल्का हो गया। एंड द लॉन्गिंग फॉर होम लेफ्ट हिम, और घर की याद ख़त्म होगी, घर के बारे में इच्छा जो थी, लॉन्गिंग उसके दिल में, वो भी गायब होगी। ही नो लॉन्गर हैड एनी डिजायर टू लीव द प्रिजन, अब जेल को नहीं छोड़ना चाह रहा था, बट ओनली होप फॉर हिज लास्ट आवर टू कम, अब तो उसे अंतिम घड़ी जो होती है इंसान की, उसकी उम्मीद थी कि वो आए और उसे इस दुनिया के चक्कर से मुक्त कर दे। इन स्पाइट ऑफ व्हाट एक्सनो हैड सेड, एक्सनो ने हालांकि उसे मना किया था कि कुछ नहीं कहना, इसके बावजूद भी मकर सेमिनिच ने अपना जुर्म कबूला, प्रशासन के सामने अपना कसूर मान लिया। बट व्हेन द ऑर्डर फॉर हिज रिलीज केम, जब एक्सनो की रिलीज के ऑर्डर्स आए, उसको फ्री करने के आदेश आए, एक्सनो वाज ऑलरेडी डेड, वो इस दुनिया के शारीरिक बंधन से छूट चुका था, वो मुक्ति पा चुका था, अर्थात वो मर चुका था। तो इस तरह से ये बहुत ही मार्मिक कहानी है। लियो टॉल्स्टॉय बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, इनकी कहानियाँ कहीं भी मिले ज़रूर पढ़िए। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, कोई और चैप्टर लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।